जनरेशन आया था स्मार्टफोन का एंड मार्केट स्मार्टफोन को कैप्चर कर लिया, और साथ साथ तीन इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा हो चुका है, दैट इज एक डेटा बैंक, डेटा सेंटर्स एंड सोशल मीडिया। तो इस तीन इंडस्ट्रीज का एक मिक्स ऑफ, साथ में ई कॉमर्स, और उस ई कॉमर्स में आपको इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट, इलीगल सर्विसेज छोड़ के, माने मतलब हम गुटखा प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ से गुटखा नहीं बिकेगा, नो टोबैकोस बिकेगा, नो अल्कोहल्स एंड नो अदर इलीगल सर्विसेज। 17 कंट्री में चालू है, लास्ट 15 मई 2020 से, बेस्ट फ्रॉम रांची झारखंड, और इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर है। इसको सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू गेट साइन ऑफ। आप जो खर्चा करते हैं, आप पैरासीटामोल का गोली खरीदते हैं, आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं, एनी ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आपके खर्चे पे हम आपको 1 से 16% का कैशबैक जनरेट कर देते हैं, और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कम्प्लीटली फ्री। सपोज आप अमेजन, जोमेटो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, देर इज़ अ सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर 3 मंथ या 1 ईयर्स। हाँ, मैं आपका अमेजन का ही प्रोडक्ट मेरे पोर्टल में दूंगा, आप लिंक में क्लिक कीजिए, अमेजन में डाइवर्ट होगा, अमेजन का प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैं आपको अमेजन में डाइवर्ट कर दिया। आप पैसा दीजिए अमेजन को, प्रोडक्ट लीजिए हमसे। मैं एग्जांपल अमेजन बताया, इस टाइप का 1200 पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, आपको घर में पंडित जी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एनीथिंग, तो आपके खर्चे में आप वहाँ से सामान खरीदे, योर ब्रांड योर बजट, और आप वो प्रोडक्ट को लेके हमको थोड़ी कागज़ दीजिए, उसका बिल जो है बिल सबमिट कीजिए, नेक्स्ट मंथ 15 to 20 आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, जो पैसा आप 100% यूज़ कर सकते हैं, बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं, या आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ये है एड्स वाली। हाँ, यूनिक तो बोला जाए, यूनिक कुछ नहीं है, बाजार का प्रोजेक्शन को उठा के ही अपना एक स्ट्रैटेजी बना के, क्योंकि इंडिया में दो चीज़ चलता है, एक फ्री चलता है। 2016 में हम लोग हाफ हाफ किलोमीटर लाइन दे के जियो का सिम उठाए थे, 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के बाद हम ही लोग गाली दिए थे, है ना, ये भाई गलत काम कर लिया। तो इंडिया में फ्री चलता है, तो वही फ्री, और फ्री में भी हम एक्स्ट्रा कैशबैक दे रहे हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट। मुझे जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया था तो मुझे बहुत ही यूनिक वे में, जैसे आपने बोला भी कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की और एम्प्लॉयमेंट देने की और बढ़ाने की जो इन लोगों ने कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं, वो काबिले तारीफ़ है। अभी जो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आई बिलीव हम आज लॉन्च कर रहे हैं, एंड सब ब्यूटिफुल डे, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे, इस डे पर वो वीडियो लॉन्च होगा, आप सभी देखेंगे, उसमें बात भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और बनने की हो रही है। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था तो मैं ना ही नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, उनका आगे आना, ऐसे थॉट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ पे हर इंसान हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहा है, वहाँ पे एक थॉट लेकर आना और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये बहुत बड़ी बात है, एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस थॉट एंड क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ऑल्सो फॉर वुमेन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो आप हाईली एजुकेटेड हैं और आप कम एजुकेटेड हैं, नो, सबके लिए सबको बराबरी का इसमें यू नो सबकी भागीदारी होती है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया और कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने हाँ बोला और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। एडसोल्ट में और एक सर है, मैं तो अभी आपको शॉपिंग के बारे में बता रहा था। एडसोल्ट आत्मा, जैसा छवि जी बोला अभी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कैसे कर रहा है, सपोज रूरल इंटीरियर टू इंटीरियर गाँव में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ महिलाएँ आपका फिनाइल बना रहे, सैनिटरी नैपकिन बना रहे, तो एडसोल्ट इज ऑल्सो ई कॉमर्स साइट। हम लोग करके आ रहे, उनका इंटायर प्रोडक्ट हम लोग उठा ले रहे एंड उठा के सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक बड़ा
फोकस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज़ है, सपोज यू आर मेकिंग अ रिचार्ज फ्रॉम जियो, हाँ आपने एक रिचार्ज करा 250 रुपये का रिचार्ज, आप कोई भी UPI ऐप से कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 2 रुपये लगता है। आप हमसे करोगे आपको मिनिमम 2% से मैक्सिमम 4% देंगे कैशबैक। मजे की बात क्या है, आपने रिचार्ज कर अच्छा लगा, आपने मेरे को बोला, मैं आपके रेफरल लिंक से मैंने रिचार्ज करा, मेरे को जो मिला मिला, आपको एक्स्ट्रा मिला, तो देयर इज़ अ रेफरल मार्केटिंग ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई इट इज़ गेटिंग ग्रोथ। देखिए आइडिया आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो आइडिया आ जाता है। बेसिकली मैं सेल्फ प्रैक्टिसिंग चार्जर कंटेंट, तो मैं लास्ट 20 साल से मैं खुद को नेटवर्कर समझता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ। और आइडियाज़ वेरियस, इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का देश है, कहीं भी चल जाइए देखिए इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है, तो वेरियस जगह से आइडिया अगर आप ग्रैस्पिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, नथिंग। देखिए छवि इज़ प्रिटी लुक, हाँ मैंने इसका कुछ सीरियल्स देखे एंड मैं छवि को पर्सनली नहीं जानता था, धर्मिष्ठा मैं आपको बताया जो वुमेंस एम्पावरमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी है, मैं बच्ची को आगे लेके आया हूँ, तो सीज ऑल से बच्ची हाँ मेरे लिए, मैं ओवर द अभी सॉरी मैं सर को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि वाई छवि। मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि छोटे छोटे गाँव में, यू नो, छोटे छोटे शहरों में फीमेल कोई विमेन जो है फिनाइल बना रही हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रही हैं या उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, एंड ही बिकेम द सोर्स ऑफ यू नो ऑफ दोज वुमेन। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन लाइक इट यूज, हाँ वो था एक टाइम पे जो पटना छोटा था, अभी तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गया है भगवान की कृपा से। तो मैं खुद भी छोटे शहर से हूँ और मैंने भी बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, तब हमारे टाइम पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, यू नो। तो आज जब मैं वहाँ से निकल करके मैंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तय की है वो दूरी, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन तब वो कहते ना अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। लेकिन आज के टाइम पर जब ऐसे लोग सामने आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेगा, यू नो, और एक्सपैंड होगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ें नाउ डेज सोशल मीडिया ज़माना लोग कहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि गाँव के बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो हम डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े यू नो प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये टैलेंट कहाँ है, पर पता चलता है कहीं किसी गाँव में वो ग्रुप बना करके यू नो दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली। अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के पास रोजी रोटी का एक माध्यम बने, तो कितनी अच्छी बात है ये, तो मुझे लगता है ऑल्सो आपकी जर्नी से भी बहुत जो महिलाएं हैं वो इंस्पायर होती है, बिल्कुल एक रीज़न है उस माध्यम। मैं बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसे जोड़ना चाहता है इस चीज़ से, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी इस कॉज के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे मौका मिला, कोई पीछे न रह जाए जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास कहते कि सोर्स नहीं है कि वो आगे कैसे आए या अपना घर कैसे चलाए, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी रही वैसे उनकी भी जर्नी हो, तो एंड आई बिलीव कि ऐसे और भी लोग आएंगे ऐसे बढ़िया डिफरेंट थॉट्स के साथ और कुछ कमाल का करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे, आई बिलीव। सोच देखिए एक्चुअली मैं आपको पहले बताया जो हर इंसान का एक सोच होना चाहिए भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कोई भी शासक से या प्रशासक से देश आगे नहीं बढ़ता है जब तक आम पब्लिक आगे नहीं आएगा। वी आर हियरिंग दैट हम लोग अभी 5th सुपर पावर है, इकोनॉमिकल सुपर पावर, हम लोग 3 में जाएंगे, हाउ 140 करोड़ आबादी है ना, तो अगर हम जॉब क्रिएशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली GDP ग्रोथ होगा, कल थर्ड नहीं पर हाँ शायद हम लोग बहुत जल्दी 1 नंबर में आ जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नोडल अथॉरिटीज़ है हैं, उनको कंप्लायंस करते हुए, स्टैट्यू कंप्लायंस करते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं।
we have started initially small LLP companies, then we have converted it into private limited, then we are converting into public limited unlisted, and 2025 में हम इसको listing भी करने जा रहे हैं। जी जी नहीं नहीं कैसे नहीं चल पाएगी। फ्लिपकार्ट तो इंडिया से इंडिया का कंपनीज है ना जिंदल, तो वो तो डिपेंड करता है जो किसका विज़न क्या है। रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप था, है ना, तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेनर्स जो है जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे उनका क्या विज़न है। 20 years बैक आई हैव रिजाइंड ए मल्टीनेशनल बैंक एज वाइस प्रेसिडेंट, AVP पोजीशन था। 20 years बैक मैंने रिजाइन करा था टू बिकम द एंटरप्रेनर। दैट टाइम आई वॉज इन अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, 1,25,000 की सैलरी था उसमें। अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई AVP पोजीशन, इंटरनेशनल बैंक आज के दिन वर्ल्ड का नंबर वन बैंक है, अगर नहीं छोड़ता तो मैं CEO बनता उसका, अरबों रुपया सैलरी होता मेरा, क्या कर लेते। दो ड्राइवर, 4 मेड। दैट डे आई टुक द डिसीजन ये हमको करना है तो करना है। तो एक लंबा जर्नी चलते गया, आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से भी मिल दिए। तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है। सर ये कम्प्लीटली AI बेस्ड है। अच्छा, कम्प्लीटली AI बेस्ड है। एकदम सर, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर। हाँ अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर AI है ना। तो AI इज़ द, हाँ मैं वही बात शुरू किया था जब आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था। अगला 20 साल AI का, अगला 20 years AI का है। और आप हर सेक्टर देख लीजिए, छोटा सा कोई छोटा सा सेक्टर से लेके बिग सेक्टर्स तक एवरीवेयर इज AI, AI छोड़कर कोई काम नहीं कर रहा है। जी और आज ही के दिन इसको रिलीज, आज से अच्छा दिन तो कोई अच्छा नहीं होगा। मैंने भी यही बोला। देखिए जिंगल का कंपोजिशंस जो है, एवरीथिंग जो है, वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया। मेरा एक ही सोच था उनको बताने के, जी भाई देखो वी आर प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर प्रोमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, है ना, उसको प्रोमोट करके बेस करके बनाना है। और इसको 15 अगस्त ही लॉन्चिंग है, इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता। यस, नमस्कार, मैं हूँ आपका प्यार लकी तरार। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, जब मालूम पड़ा कि ये एक वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है, तो हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके सिटिंग करी। टॉप के लिरिसिस्ट इसके अंदर इन्होंने लिखा है, ये जो एड फिल्म जो मैंने बनाया जस्ट, इसमें तनवीर गाजी सर जिन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स लिए हैं, आईफा फिल्म फेयर सब अवार्ड्स उनके नाम है, बहुत सारे इन्होंने फिल्में लिखी हैं, तो वो इस एड फिल्म को उन्होंने लिरिस्ट किया है। इसे म्यूज़िक दिया है हमारे राशिद खान सर ने, जिनके अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा म्यूज़िक आया है तू मेरी आशिकी, और ये भी म्यूज़िक उन्होंने ही किया है। और इस एड फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो है राजी रुइया सर, जिनके ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने आप लोग देख चुके हैं, फिल्में देख चुके हैं, ओ माय फ्रेंड गणेशा, अभी उनकी लव यू शंकरा आ रही है, और अब वो हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। और इस प्रोजेक्ट जो आप देखने वाले हैं, ये सच में आपके अंदर की एक एनर्जी को, सच में आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, और ये वुमन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान ये जो है देखने वाले हैं आप थोड़ी देर में। हम लोग आज हमने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को इसे हम रिलीज़ करेंगे, सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं और इसे रिलीज़ करने वाले हैं। सो ये जो एड फिल्म आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आज से हम लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स से आने वाला है, सो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। थैंक यू।